देखो ना असीं मेहनत की 93 तो आए तो माशाल्लाह करके इंशाल्लाह की मेहनत करके उस तो बाद माशाल्लाह चार ब्रांचा बनाईया। सही है, ठीक है ना। मतलब चीज जो भी मतलब अच्छी बनाई या कस्टमर ने खाधी जो इस्तेमाल की उन्होंने मुड़ के कस्टमर लग गया अपने को, लेकिन हर तरह इस तरह ही है जो भी असीं इस्तेमाल आप यूज करते हो कस्टमर को असीं दे रहे हैं। आपका दोस्त मंशा ताहिर द टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मनाते रहते हैं, आज की हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये बेकरी के बिज़नेस के साथ इनका तल्लक है और अल्लाह ताला का इन पर फजल है और करम है, और इसकी वजह भी यही है कि ये अपने काम के साथ सिंसियर हैं। जो कुछ खुद खाते हैं वही लोगों को खिलाना चाहते हैं और अल्लाह ने इनके काम में बरकत डाली। इन्होंने अपना काम एक छोटे से कारखाने से किया और आज इनकी अल्हम्दुलिल्लाह चार ब्रांचें हैं और ये अल्लाह का इन पर ख़ास फजल है। इनकी प्रोडक्ट जो है बेकरी के साथ, बेवरेज के साथ, कॉस्मेटिक्स और उसके साथ जनरल स्टोर की तमाम चीज़ें हम इनसे पूछेंगे कि बेकरी तो एक लफ्ज़ है लेकिन बेकरी के साथ साथ और क्या क्या काम शामिल होते हैं, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत ममनून हूं। इमरान साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे। मैं मोहम्मद इमरान जी, BM बेकरी का ऑनर हूँ। ठीक है जी, आपने ये बेकरी का बिजनेस जो है कब स्टार्ट किया? जी हमने किया था 93 में किया था, जी वाला 93 में किया था। यानी सबसे पहले आपने बेकरी बनाई थी या कारखाना बनाया था, क्या बनाया था आपने? साथ में कारखाना था, साथ में छोटी सी शॉप बनाई थी साथ में। यानी 93 में एक आपने छोटी सी शॉप से ये काम शुरू किया था और आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कितनी ब्रांचे हैं यहाँ पे? इस टाइम तो माशाल्लाह चार ब्रांचे जा रही है। आपकी चार ब्रांचे हैं, तो जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपको पता था कि हमारी ये चार ब्रांचें बन जाएंगी? नहीं, उस टाइम के हिसाब से तो नहीं था, लेकिन आगे मेहनत करने के मेहनत करने के नाल ही होता ना बंदा होता है। यानी तुसी मेहनत की थी, मेहनत अल्लाह ताला ने अपना फल दिता, आज तुसी माशाल्लाह इतने पहुंचे हो। इमरान साहब, बेकरी स्टार्ट करने वास्ते किड़ियां चीज़ों की जरूरत होंगी? बेकरी स्टार्ट करने मेहनत तो कोई बस बंद यही होंगे ना, बंद अपनी मेहनत करनी चाहिए। है बंदा अपना कोई भी चीज़ में कोई भी छोटे बिजनेस तो बंदा स्टार्ट करता तो बंदा आस्ता आस्ता बंदा ऊपर जाना शुरू होंगे वा। ठीक है, तो तुसी भी आस्ता आस्ता स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तुसी भी आस्ता आस्ता ऊपर गए। तो करके मैं माशाल्लाह हुन बड़े सेटअप तक पहुंचे हूं। तुसी हुन बड़े सेटअप तक पहुंचे हैं। इमरान साहब, बेकरी एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, यानी बेकरी के अंदर तो ये बिस्कुट्स आ जाते हैं या सैंडविच आ गया, दूसरा आ जाता है, लेकिन बेकरी के साथ और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बेकरी में सभी कुछ सारा कुछ ही आ जाता है। मतलब कॉस्मेटिक ले आओ जो भी, मतलब बेकरी प्रोडक्शन बेकरी की अपनी आइटम आ जाती है, बाकी बेकरी जो भी तुम मतलब है परचेज करके जो मर्जी सेल कर सकते। बेकरी हर हर तरह का कस्टमर होता है, यानी बेकरी हर तरह का कस्टमर शामिल होता है, जिदी नाल तुसी जना बेकरी हर किस्म का समान रख सकते हैं। एक हैपर मार्केट है, ये मिनी हैपर मार्केट टाइप बन जाता है जिथे जिन्हें जो चीज़ चाहते हो तुसी खरीद सकते हो। बिल्कुल। इमरान साहब, तुसी ये दसो कि बेकरी का बिजनेस कैसा है? माशाल्लाह ठीक है, अच्छा सेटअप लगे तो मतलब ठीक है। अच्छा, यानी सेटअप अगर कोई ला लवे तो अच्छा है सेटअप? अच्छा है। इमरान साहब, अगर एक छोटा बंदा छोटी बेकरी या छोटे पैमाने तो शुरू करना चाहता है, उसके लिए इस बेकरी वास्ते कितना सरमाया चाहिए? तकरीबन छोटे छोटा कड़ा 3 to 3 lakh तकरीबन इन्वेस्ट बंदा कर सकता है। यानी 3 lakh च इन्वेस्ट कर सकता है। जिस तरह ताड़ा चार ताड़ियां शाखा ने मुख्तलिफ जगह से, चार शाखा ने ताड़ा कारखाना भी है, क्या तुसी लोगों नू फ्रेंचाइज या लोगों नू होलसेल से माल भी देंदे हो? हाँ, होलसेल तो देते, लेकिन अगला जो मतलब परचेज करके अगला मसलन करके बेकरी बना के तो मतलब समान साढ़े को ले सकता है। यानी बेकरी बना के अपना सारा समान ताड़े को ले सकता है, होलसेल से ले सकता है। तो होलसेल से लैके अपना, यानी उन्होंने जरूरत नहीं हैगी कि वो अपना कारखाना भी ना, वो लाजमी नहीं है। मसलन नहीं अपना तो करके स्टार्ट करके मतलब कल माशाल्लाह बिजनेस बढ़ता वा, वो आपका सेटअप लाना चाहे तो मसलन लगा सकता, उससे पहले अपना छोटे तो करके स्टार्ट कर सकता। इमरान साहब, अगर मैं ताड़ा नंबर लोगों ना शेयर करा, दोस्त अहबाब ना जो बेकरी का काम च इंटरस्टड ने, तो क्या तुसी उन्हां नाल तावन करोगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, उन्हां तावन करोगे, सिंसियर होके करोगे? इमरान साहब, अगर बंदा एक 3 lakh रुपए नाल एक बेकरी शुरू करता है,
ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਮੰਥਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਖੋ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ इमरान साहब तुसी साडे दोस्तां नू की पैगाम देना चाहोगे तुसी मेहनत कीती और अज अल्लाह ताला ने ताडियां इहदे चार ब्रांचां हैं बड़े बड़े सैटअप ने ताडे इह किस तरह होया इह की पैगाम दोगे साडे तों इस तरह ना माशाल्लाह देखो ना असीं मेहनत कीती असीं 93 तों आए दमास करके इंशाल्लाह कीती मेहनत करके उस तों बाद माशाल्लाह चार ब्रांचां बणाईआं सही है ठीक है ना मतलब चीज जो भी मतलब अच्छी बनाई या कस्टमर ने खादी देखो इस्तेमाल की थी उन्होंने मुड़ के कस्टमर लगे अपने को तो लेकिन हर तरह इस तरह ही है जो भी असि इस्तेमाल आप यूज करते हो कस्टमर उसे दे रहे हैं वेरी गुड यानी जो चीज तुसी खुद इस्तेमाल करते हैं वही ताडा कस्टमर जेड़ा यूज कर रहा है मसलन ये नहीं है कोई ऐसी अपने पास सेपरेट बनाने खाने वास्ते कस्टमर पहले ऐसी बनाऊं तो पहले उन्हें आप यूज करते हैं उसके बाद ऐसी कस्टमर आगे ले आगे डिस्प्ले ले आने यानी पहले खुद यूज करते हो ते बाद आगे तुसी कस्टमर नु यूज कस्टमर वास्ते ताडी कामयाबी दा राज की है कामयाबी राज यही चीज है ना मेन पिछे मसलन कारखाने च मसलन भाई हुंदे आप हुंदे आ अच्छा दुकान ते असीं ओनर असीं आप मसलन हैंडल करीदा वा चीज पहले बणदी है उहनूं मैनेज पहले करके आप टेस्ट करके उस तों बाद अगे दुकान ते असीं लै के आईदी आ ते अगर कोई दोस्त काम करना चाहेगा तो तुसीं उहनूं मशवरा सही दोगे बिल्कुल इंशाल्लाह कोई दोस्त आवे तो अपन इंशाल्लाह मशवरा यही हुंदा ना मनु भरा को चल के किसी कोल आउंदा बंदा उहनूं दसदा लो वी आ कम करना उहनूं ठीक है जो बारिश होवे मतलब अगली सोच तो उहदी हो सकदी है ना उहनूं करना चाहवे ते उह सही है जी दोस्तों ये थे मेरे साथ इमरान साहब जो बीएम बेकरी के ऑनर हैं अल्लाह ताला ने इन पर अपना फजल किया और इन्होंने एक छोटे से कारखाने से एक छोटी सी बेकरी से अपने बिजनेस का आगाज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके चार सेटअप हैं और ये सेटअप भी माशाल्लाह बड़े ह्यूज हैं यहाँ के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और इनका कहना यही है कि इनकी कामयाबी के पीछे राज जो है वो राज ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह का फजल है इन पर दूसरी चीज़ है कि ये प्योरिटी है लोगों को जो चीज़ देते हैं वो प्योर देते हैं काम के अंदर जो है सिंसियरिटी है और लॉयल्टी के साथ काम करते हैं और इनका पैगाम भी यही है कि अगर आप सिंसियर होकर काम करते हैं और इत्तेफाक के का साथ काम करते हैं क्योंकि अब तक ये तमाम भाई जो हैं इकट्ठे हैं इत्तेफाक में बरकत है अगर आप भी चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं सबसे पहले जो है अपने अंदर इत्तेफाक लेकर आएं और अपने अंदर इरादा लेकर आएं कि हमने ये करना है जब इरादा आपका अच्छा होगा स्ट्रांग होगा तो आप कोई काम कर सकेंगे तो काम बहुत हैं ये भी एक बहुत अच्छा काम है जिस पर आप 3 लाख से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और आज ये काम स्टार्ट करते हैं तो आप मंथली जो है 40 से 50 हज़ार कमा सकते हैं इन लोगों ने भी जब ये काम शुरू किया था तो ऐसे ही किया था अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बिजनेस जो है करोड़ों के अंदर है आप भी इसके इन जैसे बन सकते हैं लेकिन उसके लिए इरादे की ज़रूरत है और करना आपने है इमरान साहब एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल को टाइम दिया आपका बहुत ममनून थैंक यू सो मच खुश रहें और खुशियाँ बांटें।